हेलो स्टूडेंट, तो आज अपन बात करते हैं गुरु नीति में एपिसोड 31 की, और इसमें बात करेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो माई सर रिंकेश सर और मेरे साथ है देवेंद्र सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जी, क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया कि अल्फा इज द फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इसका मीनिंग क्या है कि 1 की पावर 1/5 के फिफ्थ रूट बोले गए कि अल्फा इकाई के फिफ्थ रूट है आपके, अल्फा इज दी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो इसको क्या नेम दिया गया अल्फा, तो आपको पता होगा कि अगर इसको आप जेड लेट करोगे तो जेड की पावर 5 = 1, इसके टोटल 5 रूट होंगे, उनको क्या लेट करते हैं, 8 रूट तो 1 होगा, अगला अल्फा, एल्फा स्क्वायर, एल्फा क्यूब और अल्फा की पावर 4। ये पता होना चाहिए कि 1 की पावर 1/n के जो एन रूट है वो ऑल आर इन जीपी, वो सब किस में होंगे, जीपी में। और ये जो अल्फा है इसका कॉमन रेशियो होगा, और इस अल्फा की जो वैल्यू वो क्या होती है, ई की पावर 2π/n लिखते हैं, बट अपने क्वेश्चन में एन क्या 5 है, ठीक है। तो ये अल्फा आ गया ई की पावर आयोटा 2π/n, याद रखना इसको। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, ये आपको एक थ्योरम जिसको पता होगी कि जो nth रो यूनिटी है उनका सम ऑलवेज 0 होगा, और आप कर सकते हो ना, इसको एक तरफ ले गया होगा तो क्या पॉलीनोमियल, तो ऑल का सम क्या होगा, x z की पावर 4 का कोएफिशिएंट अपॉन i पावर का कोएफिशिएंट, तो इनका सबका सम तो क्या गया 0, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू होगा। इसको लिख सकते हैं 1 + α + α² + α³ + α 4 0, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन में क्या चाहिए आपको, दिस पार्ट की वैल्यू चाहिए, काम करें अल्फा 4 को राइट में शिफ्ट कर दें, तो अल्फा 4 को राइट में शिफ्ट करोगे तो 1 + α + α² + α³ = −α/4। और ये आपने सबने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जेड की पावर एन का मोड क्या होगा, मोड जेड की पावर एन, बट इसमें कंडीशन है एन आपका एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो क्या गए मोड अल्फा की पावर 4। और सुनो कि nth रो ऑफ यूनिटी कोई सा भी रूट लो आप, उन सबका जो मोड है वो ऑलवेज 1 होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखो क्या करना है, 1 + α + α² की वैल्यू चाहिए, काम करो ना, इससे 1 + α + α² को क्या लिख सकते हैं, −α4 − α3, तो देखो 1 + α + α² = आ गया −α³ − α4, तो −α³ कॉमन हो तो आ गया 1 + α। अब जब आप बोथ साइड मोड़ लोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू −α³ 1 + α का मोड। और वंस अगेन एक प्रॉपर्टी आप सबने पढ़ी होगी कि z1 × z2 का होल मोड इज मोड z1 मोड z2, तो क्या आ गया −α³ का मोड और 1 + α का मोड, तो −α³ का मोड तो अगेन 1 आ गया, तो फाइनल आंसर आ गया 1 + α का मोड। देखो पहले थर्ड ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे इसकी वैल्यू से, और जो ये आंसर होगा वही आंसर ये आना चाहिए, देखते क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करोगे आप, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो e की पावर 2π/5, और e की पावर आयोटा थीटा का मीनिंग cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो ये आ गया बेटा मोड के अंदर 1 + cos 2π/5 + iota sin 2π/5, और जब इसका मोड लोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1 + cos 2π/5 का होल स्क्वायर प्लस, या फिर एक काम और कर सकते हैं सिंपल, पहले इसको 1 के साथ कॉस कैंसिल कर दो, उससे टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो जब 1 के साथ कॉस कैंसिल करोगे तो क्या होगा, 2 cos, ये आ गया 2 cos² 2π/5 + 2iota, इसमें भी cos sin 2 थीटा का फॉर्मूला, तो देन 2 cos π/5 कॉमन लोगे तो क्या आ गया मोड 2 cos π/5, और ब्रैकेट में आ गया cos π/5 + iota sin π/5, और बेटा cos π/5 + iota sin π/5 इसका मॉडुलस लोगे तो क्या आएगा, √cos²θ + sin²θ बना गया, तो इसका जो फाइनल आंसर वो दिस पार्ट होगा। और ये पाई बाई फाइव आपका 36 डिग्री है, ये पॉजिटिव है, तो मोड आपका प्लस के साथ ओपन होगा, तो क्या आंसर आएगा इसका, 2 cos π/5, ठीक है। तो देन देखो ये ऑप्शन तो करेक्ट होगा इसमें, और इसने अगेन 1 + α की वैल्यू क्या बोलेगी, ये ऑप्शन इसका
आपको पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, मतलब उसका रियल पार्ट जो होगा क्या होगा, एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा। तो इसको आप जेड मान लो, तो इस जेड का क्या कर लूं मैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड मस्ट बी जीरो इफ वी आर सेइंग दैट इट इज प्योरली इमेजिनरी। तो क्या करते हैं हम फटाफट से देखो, तो पहले से क्या कर लें, रैशलाइज कर लें थोड़ा सा। चलो तो z इक्वल टू क्या है, 3 प्लस 2 आयोटा साइन x इनटू, इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं अपन, 1 प्लस 2 आयोटा साइन x, और नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर। यस सर। तो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 3 2 1 3 आ जाएगा, और इसको आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो 2 2 4 4 साइन स्क्वायर, यानी कि माइनस का 4 साइन स्क्वायर। यस सर। प्लस का आयोटा वाला पार्ट कौन सा आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा पर 3 2 जा 6 और 1 2 जा 2, तो 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा 8 आयोटा sin x अपॉन में आ रहा है 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 हो जाएगा, तो इसको अपन कह सकते हैं 1 प्लस 4 sin स्क्वायर। ये आ गया बात समझ में। अब इसके बाद अच्छा इसका अपन क्या कर लें, थोड़ा सा रियल पार्ट को जीरो करना है अपने को, ठीक है। तो रियल पार्ट मैं कर देता हूं सीधे, है ना, क्या आ जाएगा देखो आप ध्यान से, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 4 sin स्क्वायर, तो इसको अपने को जीरो करना है। तो अपन को क्या करना है, यहां पर कर लेते हैं अलग से, ये आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z 4 3 माइनस 4 sin स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4 sin स्क्वायर। अब देखो नीचे वाला तो क्या होगा, नॉन जीरो है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो उसको तो अपन कहां ले जाएं, जीरो कर देते हैं आराम से। तो यहां से आ जाएगा sin स्क्वायर इक्वल टू 3/4, और यू कैन राइट sin इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/2। अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि अपने को जो sin की वैल्यू आ रही है वो प्लस माइनस √3/2 आ रही है, यानी कि चारों क्वाड्रेंट में लाई करेगी, फर्स्ट सेकंड में तो क्या होगा पॉजिटिव √3/2, और थर्ड और फोर्थ में क्या होगा माइनस √3/2। अब अपने को कह रहा था ये, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। आप सीधे लिख सकते हो कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, तो क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू होगी पाई बाय 3 हो जाएगी, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट n पाई। यस सर, ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड, हां थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है, let z be a complex number satisfying this condition such that amplitude z is minimum then z is equal। आपको क्वेश्चन में z में इनइक्विटी गिवन है, और इसका मीनिंग क्या है, z माइनस 5 आयोटा का मोड लेस देन इक्वल टू 1। अगर आप इक्वल टू 1 लोगे तो क्या होगा, z माइनस z1 का मोड इक्वल टू r है, तो ये एक और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बताना है जब आर्गुमेंट क्या उसका मिनिमम लिखना है। तो चलो पहले इसके डायग्राम की बात करते हैं, उसका डायग्राम कैसा होगा, देखो इसका सेंटर 0.5 है, रेडियस 1 है, तो दिस डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ठीक है सर, बिल्कुल सर। तो ये आ गया 0.5 और रेडियस इसकी 1 है, मात्र 1, तो ये 1 है तो ये आपका 4 होगा, ये 1 होगा, और देख लेते इसकी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल 0, ठीक है। अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है, इस सर्किल पे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है जिसका आर्गुमेंट क्या होगा मिनिमम। तो सुनो आप, आर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोला गया, तो जब भी अपन एम्पलीट्यूड किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो क्या लेते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेंगे अपन। तो अब आपको सोचो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप इस जगह लेट करोगे तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा मिनिमम, मिनिमम। उसके बाद अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इंक्रीज करोगे देखो आर्गुमेंट हमेशा बढ़ता जाएगा, मतलब ये पॉइंट आपको करना है फाइंड आउट। तो चलो देखो क्या करना है, इसके लिए एक काम करें, इसका लेट एंगल लेट कर दो थीटा, कि लेट ये एंगल आपका थीटा है, तो ये अगर एंगल थीटा है और लेट ये लेंथ आपकी आर है, बात को सुनना केयरफुली, ये रेडियस नहीं है, एक आर लेंथ लेट की आपने, इसको लेट कर देते पॉइंट ऑफ पी जेड, तो इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लेट की इसकी रेडियस सॉरी डिस्टेंस आर है, एंगल थीटा है, तो पोलर फॉर्म में आप जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आर ई की पावर आयोटा थीटा, आयोटा थीटा, बिल्कुल। तो जेड इक्वल टू आगे सर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बिल्कुल। अब आपको r की वैल्यू और साइन कोस की वैल्यू को पुट करना, ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या करना है, r की लेंथ के लिए तो देखो इसमें क्या ऑप्शन है, इधर आओ सेंटर से क्या करोगे, ये टेंजेंट है, इस पे ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 है,
ये इसकी रेडियस है, तो देखो ये 90 एंगल है, तो ये इसका हाइपोटेन्यूस होगा, ये 1 है ये 5 है, तो देन r क्या आ गया, √ 25 minus 1 24, देन r इज 2√6 ये रेडियस आ चुकी है, मतलब r लेंथ है, OP सेगमेंट बोल सकते हो। थीटा के लिए देखो क्या करने दे रहा है, ये एंगल थीटा है, तो जो ये एंगल है क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्या होगा बोलो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो अब क्या करो, ट्रायंगल OPC में यूज कर सकते हो sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला, डेल्टा OPC की बेटा जब बात करोगे तो देखो थीटा की अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो sin 90 माइनस थीटा आ गया 1/5 cos थीटा बराबर, हां sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1/5, तो देन इससे आ गया cos थीटा इक्वल टू 1/5, ठीक है cos थीटा तो आ गया 1/5। सिमिलरली अगर आप cos फार्मूला अप्लाई करोगे कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू, तो क्या लिखोगे, दिस अपॉन दिस, तो ये कितना r है ना, तो r की वैल्यू है 2√6/5, तो इससे आ गया sin थीटा इक्वल टू 2√6/5। देखो अपने पास r गिवन है, sin cos की वैल्यू गिवन है, तो सबको अपन इस कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट कर देते हैं, तो देन वी विल गेट z इक्वल टू 2√6 cos, और आप सीधा ये भी कर सकते हो r cos थीटा और sin थीटा, r cos थीटा के लिए सीधा sin का फार्मूला, उसके लिए cos का फार्मूला, ये कर सकते हो, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू तो पुट करोगे सर 1/5 और sin थीटा प्लस iota sin के लिए 2√6/5, तो जब आप इसको 2√6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट तो आ गया 2√6/5 प्लस iota 2√6 × 2√6 कितना आ गया 24/5, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ही क्या कह रहा है आपसे, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाई द कंडीशन मोर z ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देन लीस्ट वैल्यू, अच्छा इसकी क्या करनी है अपने को, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, दिस मिनिमम निकालना है अपने को, तो सबसे पहले तो क्या अपने को ट्रायंगुलर इनइक्विटी में पढ़ा हुआ है, इसमें क्या पढ़ा हुआ है कि अपने पास मोड ऑफ z प्लस 1/z ये लेस देन इक्वल टू तो होता है मोड z प्लस 1/mod z के, यस सर, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होता है आपका मोड z माइनस 1/z का होल मोड, ये होता है, ये आप याद कर सकते हो कि z1 प्लस z2 का होल मोड इज लाइज बिटवीन वो वैल्यू जिससे ये क्या है हमेशा बड़ा होगा, तो मिनी, तो अब अपने एलएचएस में देखें तो क्या है ये, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, इसका मतलब ये क्या देगा मिनिमम वैल्यू, तो कर लेते हैं सॉल्व, आप ऐसे लिख लो तो जल्दी समझ आएगा बच्चों को, क्योंकि मिनिमम वैल्यू के लिए उधर वाला पोर्शन चाहिए अपन, हां बिल्कुल, मोड z माइनस 1/ मोड z का, हां तो ये तो अपने को दे रखा है अपने को, तो देखो इसकी वैल्यू क्या चाहिए मिनिमम, मतलब इसकी आपको मिनिमम वैल्यू लेके आनी है, तो इसका मतलब ये हो गया, तो इसमें से मैं मैक्सिमम घटा दूंगा, इसको मैक्सिमम लाओगे आप, तो ये जो मैक्सिमम होगा तो ये हमेशा से बड़ा होगा, तो देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना चाहिए, आप मोड z की मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे 3, तो देखो ये तो होगा मैक्सिमम और 1/ मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करोगे तो आंसर मैक्सिमम आएगा आपका, तो 3 माइनस 1/3 करोगे तो ये क्या जाएगा 8/3, मतलब इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी 8/3 से ग्रेटर बड़ी होगी, ये अगर 8/3 से ग्रेटर है तो इसको ग्रेटर लाना है, तो ये भी आपका 8/3 से ग्रेटर होगा, ग्रेटर होगा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 8, ठीक है सर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया, क्वेश्चन 5 में कि लेट ZR be the complex number such that mod ZR equal to root R plus 1 and this condition given to then the value of k, देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, ZR का मोड आपको root R plus 1 गिवन है, तो इसमें R को जब 1 लोगे तो बेटा mod Z1 आपका आ गया root 2, ऐसी mod Z2 आपका क्या होगा root 3 up to so on, तो देखो इनका यूज क्या, बेसिकली जब भी mod Z की वैल्यू गिवन हो तो आप उसकी स्क्वायरिंग करो, उससे क्या होगा जेड बार की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जैसे लेट आपने फर्स्ट की क्या की स्क्वायरिंग की, तो फर्स्ट की स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा z1 बार इक्वल टू, मतलब आप z को 2/z बार यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो करते हैं अपन क्वेश्चन को, देखो जो ये लेफ्ट साइड में गिवन है इसमें क्या करना है आपको,
लेफ्ट साइड में बेटा जेड वन जेड टू और जेड थ्री, आपको कैसे भी करके के की वैल्यू लाना है तो दोनों मोड को रिमूव करना है, सिंपल सी बात है। आप जेड वन की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, टू अपॉन जेड वन बार, तो जेड वन को जब टू अपॉन जेड वन बार पुट कर क्या गया 60 अपॉन जेड वन बार प्लस जेड टू का मीनिंग जेड टू का मोड आपका रूट थ्री है, तो जेड टू बार आपका थ्री होगा, तो देन ये वंस अगेन क्या आ गया 60 अपॉन जेड टू बार। सिमिलरली अगले में रूट थ्री होगा, सो रूट फोर, तो 15 इंटू चार अगेन 60 आ गया, तो यह जाएगा जेड थ्री का मोड, और ये भी आ गया 60 अपॉन जेड फोर का मोड, क्योंकि वो 5 है तो 12 इंटू 5 60 कॉमन ले लेना इसमें से। तो जब आप 60 कॉमन लोगे तो क्या आ गया, देखो इसमें सीधा कर देते, टाइम बच जाएगा अपना, 60 कॉमन लोगे ये वन होगा, ये भी वन होगा, दिस पार्ट ऑल्सो वन, दिस पार्ट इज ऑल्सो वन। ये करने के बाद देखो नेक्स्ट क्या करना अपन को, इक्वल टू इसमें क्या करना, देखो अब अपन को दिस पार्ट को कैंसिल आउट करना है, तो इसमें क्या करो जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर कॉमन ले लो समय से। जब आप जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर कॉमन लोगे तो उसका मोड तो बाहर आ गया ना, जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर का मोड, और अगेन मोड में क्या गया 1 अपॉन जेड वन प्लस 1 अपॉन जेड टू प्लस 1 अपॉन जेड टू प्लस 1 अपॉन जेड थ्री प्लस 1 अपॉन जेड फोर, ये अपन ले सकते हैं। अब ये आने के बाद एक प्रॉपर्टी वो आप सबने पढ़ी होगी कि जेड वन प्लस जेड टू का होल बार हो तो उस पर सेपरेट बार लगा सकते हैं, जेड वन बार प्लस जेड टू बार। तो आप इधर देखो ये वन अपॉन जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर है, ये वन अपॉन जेड वन बार प्लस वन अपॉन जेड टू बार, इस पे अपन एक साथ पूरे बार लगा सकते हैं। इस पूरे पे जब आप एक साथ बार लगाओगे क्या जाएगा 60 मोड वन अपॉन जेड वन प्लस वन अपॉन जेड टू प्लस डॉट 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 का होल बार इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, देखो ये मोड जेड वन मोड जेड टू मोड जेड थ्री मोड जेड फोर है, इन सबकी वैल्यू आप पुट कर दोगे रूट टू रूट टू, चलो लिख लेते हैं रूट टू रूट थ्री रूट फोर एंड रूट फाइव, ये नॉर्मल ब्रैकेट लगा दो। और देखो ब्लैक बोर्ड पे ये भी क्या होगा, एक प्रॉपर्टी और यूज करनी है आपको, सामने पड़ा होगा जेड का मोड इक्वल टू जेड बार का मोड, चलो इसको ऐसे, तो देखो ये आपका जेड है तो ये क्या हो गया जेड बार, ये तो उससे क्या हो गया कैंसिल आउट, तो देन देखो ये क्या आ गया रूट फाइव रूट टेन और रूट 112 मतलब रूट 120 आ गया। तो चलो इसको जब आप पुट करोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया सर, के 60 अपॉन रूट 120। इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं तो रूट 20 का मीनिंग क्या होगा, इसको लिख दो 2 × 60 तो ऊपर आ गया रूट 60 अपॉन रूट टू रूट टू, तो देन आ गया रूट 30, क्या आ गया 15 रूट 30 आ गया। अब आपको जो आंसर गिवन है वो जेड वन जेड टू जेड थ्री की फॉर्मेट में गिवन है, तो देखो रूट 30 किससे आ सकता है, अपने पास अगला रूट 4 होगा अगला रूट 6 5 होगा, तो रूट 30 लाने के लिए देखो ना रूट 5 रूट 3 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 60 आ गया ना, रूट 50 सो रूट 30 15 2 30 तो क्या आएगा जेड वन जेड टू जेड फोर का मोड, तो जेड वन जेड टू जेड फोर का मोड, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही करेक्ट हो। आपको ये देखने कि किन थ्री का मल्टीप्लाई रूट 30 आना चाहिए, जेड वन जेड टू जेड फोर का जब मोड लोगे तो वो क्या होगा रूट 30, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो सर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है, इफ मोड ऑफ जेड फोर जेड माइनस फोर अपॉन जेड इक्वल टू 2 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड। तो खास बात ये है कि जब भी आपसे मैक्सिमम मिनिमम की बात होती है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आपको इनइक्वालिटी याद रखनी चाहिए तुरंत कि मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड ऑफ मोड वन वन सॉरी जेड वन प्लस जेड टू का मोड लेस देन इक्वल टू होता है अपना मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड टू, यस सर, बट इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है मोड ऑफ जेड वन माइनस मोड ऑफ जेड टू और इसका होल मोड, क्यों, क्योंकि पता नहीं है वेदर जेड वन इज ग्रेटर देन जेड टू। और अब दूसरी बात ये है कि अपन एक काम कर लेते हैं क्या कि अपने को निकालना क्या है इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे अपन, अब अपने को पता है कि ये जो वैल्यू है मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू ये क्या है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, तो इसको अपन क्या करते हैं सिंपलीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से मोड ऑफ जेड वन अपने को क्या दे रखा है जेड वन और जेड टू जेड पुट करना जेड माइनस हाँ फोर अपॉन जेड, यस सर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ या फिर ऐसे कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सर, तो ये आपका हो जाएगा कुल मिला के ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन, जेड वन का मतलब क्या हो गया आपका जेड
और जेड टू, जेड टू का मतलब क्या हो गया माइनस फोर अपॉन जेड, ये हो गया ठीक है। अब देखो अब अपने को क्या देखिए, इसकी वैल्यू टू दे रखी है और फिर मोड लगा, हाँ ये कंप्लीट मोड लगा, मोड ऑफ जेड माइनस फोर अपॉन मोड जेड, इसको लिख लो फोर अपॉन मोड ऑफ जेड ठीक है। अब ये आ गया आपके पास ठीक है ना। तो अपने पास क्या देखा है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू टू। तो एक काम करें अपन मोड जेड को आर मान लेते हैं, मोड जेड को आर मान लेते हो मजा आ जाएगा आपको। तो ये आ गया टू लेस देन इक्वल टू टू ग्रेटर देन इक्वल टू आर ऑफ देन आर माइनस फोर अपॉन आर का मोड ठीक है। अब मोड है जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टू लेस देन इक्वल टू आ गया आर स्क्वायर माइनस फोर आर माइनस अपॉन में आर का मोड है तो उसको उधर ले जा सकते हैं क्योंकि आर ऑलवेज पॉजिटिव है। तो फाइनली आ गया सर आर स्क्वायर माइनस फोर का मोड लेस देन इक्वल टू टू आर। तो देखो ये मोड भी पॉजिटिव है और टू आर भी आपका पॉजिटिव है तो आप इनइक्विटी की स्क्वायरिंग कर सकते हो ठीक है। तो स्क्वायरिंग करने से आ गया सर आर स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस टू आर का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग करोगे तो इधर टू आर स्क्वायर इसको आपने लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया। ये करने के बाद देखो क्या करना है, फटाफट से कर लेते हैं इसको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो क्या जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो प्लस पे तो आ गए आर स्क्वायर माइनस सॉरी आर स्क्वायर प्लस टू आर माइनस फोर और माइनस करने पे जाएगा आर स्क्वायर माइनस टू आर माइनस के फोर इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब ये आने के बाद देखो आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे बोलो फैक्टर। देखो फैक्टर के लिए क्या करना अपन को, एक काम करते हैं तो उसके बाद क्या करना अपन को, तो इसके आप करोगे फैक्टर और फैक्टर करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। देखो इसके जब फैक्टर करोगे आप, जैसे लेट अपन बोल देते हैं कि इसके फैक्टर माना अल्फा एंड बीटा, तो क्या आ गया आर माइनस अल्फा आर माइनस बीटा, इसके लेट करो गामा एंड डेल्टा, आर माइनस गामा एंड आर माइनस डेल्टा लेस जीरो ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, नंबर लाइन ये लेट अल्फा पे जीरो है, एक बीटा पे, एक गामा पे और एक डेल्टा पे, कौन किससे बड़ा बात की बात है, सब पे पावर ऑड है तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कौन सा लेना है लेस देन जीरो। तो देन आपसे क्या पूछी गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी दिस पॉइंट पे, ये आपको सबसे ग्रेटर रूट देखना है। तो देखो आपको सोचो इसमें जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस टू प्लस माइनस और ये होगा टू प्लस माइनस, तो ग्रेटर आपको वैल्यू इसी से मिलने वाली है, इसी से मिलने वाली, तो इससे आ जाएगा आर इक्वल टू टू प्लस माइनस रूट ट्वेंटी, दिस इज रूट फाइव अपॉन टू और टू, समझ मेरी बात को, क्योंकि जब आप इधर लोगे तो इधर माइनस टू होगा तो वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो ग्रेटर के लिए क्या करोगे सबसे बड़ा रूट क्या होगा वन प्लस रूट फाइव, ये आ गया वन प्लस रूट फाइव, तो देन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी वन प्लस रूट फाइव रूट फाइव, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन उसके बाद देखो सेवन क्वेश्चन में क्या करना है, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड जेड प्लस जेड इक्वल टू थ्री प्लस आयोटा देन मोड जेड इक्वल टू, कुछ नहीं करना इसमें, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है आपको, इसको सोल्व करके आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को करना फाइंड आउट, फाइंड आउट आफ्टर दैट आप मोड जेड को फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक काम करें सिंपल, इसमें लेट करें आप जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, सबसे सिंपल प्रोसीजर है, तो जब आप जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करोगे बेटा एक्स स्क्वायर, तो ये तो आ गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर पर वाई, बिल्कुल सर, और प्लस आ गया सर x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू थ्री प्लस आयोटा थ्री प्लस आयोटा। अब क्या करें रियल को रियल से कंपेयर इमेजिनरी को इमेजिनरी से, देखो रियल पार्ट तो उसका क्या होगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेफ्ट साइड में कौन होगा रूट x का वाई प्लस x हाँ इक्वल टू आ गया थ्री एंड दोनों कंडीशन टू साइमल्टेनियसली, तो y आ गया वन, तो चलो y तो बना गया ना, y को पुट कर दो उसमें, y को वन पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, उसको थोड़ा सा करना पड़ेगा थ्री बाई लेकिन तो y को मानने पे आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू आ गया सर थ्री माइनस एक्स। अब सुनो इधर रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है तो देन x आपका थ्री से लेस होना आवश्यक है, उसी केस में लेफ्ट इक्वल टू राइट पॉसिबल होगा। तो अब जब आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो देखो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू आ गया सर नाइन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट टू देन 6x equal to 8 होगा तो x equal to आ गया 4 upon 3 लो, तो x आपका 4 upon 3 है, y आपका 1 है, तो j mod z क्या होगा root x square y square, x square तो आ गया सर 16 upon 9 plus 1 5 by 3 तो ये आ गया 5 upon 3, तो इसके according इसका third option सही होगा। चलो 8 question देखते हैं उसके बाद।
क्वेश्चन नंबर एट। हाँ सर देखो क्वेश्चन में एट में क्या करना है मेरे को, अपने को करना है इसमें लेट जेड वन जेड टू बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस। अच्छा अपने को मोड ऑफ जेड वन और मोड ऑफ जेड टू माइनस थ्री फोर आयोटा इक्वल्स फोर दे रहा है। हाँ कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो वही बात आ गई पहले वाली कि मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो ये इंक्लूडिंग चले जाएंगे अपन सीधे सीधे है ना, तो अपने से क्या कह रहा है मोड ऑफ जेड वन इक्वल टू नाइन। तो एक काम करते हैं अपन, पहले सबसे पहले देखो मोड जेड वन इक्वल टू नाइन दे रखा है, ये तो अपने को क्लियर है बिल्कुल है ना, बट अपने को जो दे रखा है ना नेक्स्ट इसमें से माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा थ्री प्लस फोर आयोटा का मोड इज इक्वल टू फोर। अब आप देखो वही वाली बात आ गई पहले वाली क्या, कि इसकी जो वैल्यू होगी मोड ऑफ जेड टू माइनस ऑफ थ्री प्लस फोर आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा लेस देन इक्वल टू, तो क्या होगी अपनी मोड ऑफ जेड टू प्लस मोड ऑफ थ्री प्लस फोर आयोटा है ना, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, मोड लगा रखा है अपने। तो अब देखो यहां से क्या हो गया अपना सी सी, इसकी वैल्यू तो कितनी गिर गई अपने को फोर, तो ये तो हो गया फोर, फोर लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से मोड ऑफ जेड टू प्लस कितना है इसका मॉड कितना आएगा फाइव आएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अब ये हो गया, ये आ गया, तो अब अपन एक काम करें छोटा सा, अच्छा ऐसे साथ में वो भी लेके चलते हैं ना अपन, क्योंकि ये तो ऑलवेज आपका ट्रू होगा बिल्कुल हमेशा, ये क्या आ रहा है मॉड ऑफ जेड वन, जो कुछ करना हो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस आ रहा है ना, तो हमेशा क्या होगा ट्रू होगा। अब इसमें लेफ्ट में क्या आया होगा मॉड ऑफ जेड टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ फाइव डिग्री सीधे अपन, ठीक है ना ऐसा क्या आ गया मैग्नीट्यूड फाइव आ गया, तो मॉड ऑफ जेड टू तो ये आ गया सर z2 का मोड माइनस 5 का होल मोड इज लेस देन इक्वल टू 4। तो जब आप ये पढ़ा होगा सबने मोड x लेस देन a हो माइनस a से सीधा शॉर्टकट माइनस a से क्या आ गया z2 माइनस 5 इज लाइज बिटवीन प्लस 4 से माइनस 4 माइनस 4 टू 4 तो इधर तो आ गया अपन बिल्कुल, और ये आ गया 9 मतलब मोड z2 की जो वैल्यू है 1 से 9 के बिटवीन होगी बिल्कुल, और मोड जेड वन आपको नाइन के, तो आपको बताना क्या है जेड वन माइनस जेड टू का मोड, तो इसमें भी जब आप इनइक्वलिटी यूज करोगे आप तो इसमें इनइक्वलिटी क्या ले सकते हैं मोड ऑफ जेड वन, जेड वन माइनस जेड टू का मोड कौन सी वैल्यू पूछी इसने मिनिमम मैक्सिमम पूछी है, तो मैक्सिमम के लिए इधर वाला पोर्शन का रहा है बिल्कुल, तो मोड जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड टू जेड टू, और इधर जाएगा मोड जेड वन माइनस मोड जेड माइनस मोड जेड टू का होल मोड होल मोड। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, देन मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको, क्या बता मिनिमम मिनिमम, तो मिनिमम के लिए फिर आपको ये वाला क्वेश्चन देखना है। देखो z1 का जो मोड है उसकी तो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कितनी 9, तो देखो आपको मिनिमम लाना है, तो मोड की मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती है ना, बट वो कब आ सकती है कि जब ये दोनों इक्वल हो, और आप देखो मोड z1 भी अपन 9 ले सकते हैं और मोड z2 की वैल्यू 9, तो देन इसकी जो मिनिमम वैल्यू वो क्या होगी 0 0 होगी, तो इसका आंसर 0 देखना है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन सही है, करेक्ट होगा। चलो अब देखो इसको करने का सर एक और मेथड है, वो भी सिंपल है। देखो इसमें क्या करना है, ये तो क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका सेंटर 0 0 रेडियस आपकी 9 है, इससे दो लाइन में आंसर जाएगा इसका, ये लो सेंटर डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, बढ़ा सकते हो वैसे विदाउट डायग्राम भी देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या है आपका, मतलब जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है क्या है एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 9 है, मतलब z1 लाइज ऑन द सर्किल हुज सेंटर 0 0 रेडियस 9 नहीं, और जो सेकंड है इसका मीनिंग क्या है, तो चलो ड्रॉ कर देते डायग्राम, इसकी रेडियस तो आपकी 9 है, ये 9 है। अगला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है z2 माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, 4 आयोटा इक्वल टू 4, इसका मीनिंग है 3, एक सर्कल है जिसका सेंटर तो सर 3.4 है और रेडियस आपकी 4 है, 4 है, इसका मीनिंग क्या है कि सेंटर 3.4 है रेडियस 4 है, मतलब ये आपका वाई एक्सिस को टच कर रहा है, क्या कह रहा है वाई एक्सिस को टच करने वाला है, और आप ये देख सकते हो कि जो 3.4 है वो इस सर्कल के अंदर लाएगा क्योंकि इसकी रेडियस 9 है, तो 3 आपको हां ये एक्स को टच करेगा, एक्सिस को टच करेगा, क्या करेगा एक्स एक्सिस को टच करने वाला है, तो जब आप इसकी बात करोगे तो ये एक्स एक्सिस को तो टच करने वाला है इस, और इसकी रेडियस कितनी है 4, मतलब ये लाइन कहीं इधर होगी, तो जब इसके डायग्राम की बात करोगे आप तो डायग्राम थोड़ा इस तरीके से होगा। अब इसमें बेसिकली होगा क्या, अब सिंपल सी बात पूछी होगी z1 तो आपका इस पे लाई करता है, ये तो इस पे तो लाई करेगा z2 और इस पे लाई करने वाला है z1, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z1 एंड z2, तो देखो आप सिंपल ये कर सकते हो, आप डायग्राम को सेपरेट बना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये लो आपका फर्स्ट सर्किल है z1, तो डायग्राम को प्रॉपर देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये कहीं आगे जाके एक्सटेंड तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये आपका फर्स्ट सर्किल है जिस पे लाई जो ऑन द पॉइंट z1,
और ये आपका सेकंड सर्किल है जिसमें पॉइंट आपका जेड टू लाई करता है। जेड वन सर्किल का सेंटर 0-0 बोला गया और जेड टू सर्किल का सेंटर है सर 3.4 और इसकी रेडियस तो कितनी है, इसकी है 4 और इसकी रेडियस है 9। अब आप थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे देखो, जेड वन लाई जोन दी सर्किल फर्स्ट और जेड टू लाई जोन दी सर्किल सेकंड, और क्वेश्चन में बताना है जेड वन माइनस जेड टू का मोड, तो इसका मीनिंग क्या है, जेड वन पॉइंट की जेड टू पॉइंट से डिस्टेंस का मिनिमम डिफरेंस चाहिए अपन को। तो एक बात बताओ, जेड वन तो आपका फर्स्ट सर्किल पे, जेड टू सेकंड सर्किल पे, इसका मीनिंग बोथ सर्किल के बिटवीन आपको मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। तो दोनों सर्किल की मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, दोनों के सेंटर को आप ज्वाइन कर दो। जब दोनों के सेंटर को ज्वाइन करोगे तो देखो ये रेड सी वन है, ये रेड सी टू है, तो सी वन सी टू के बिटवीन जो डिस्टेंस हो क्या होगी 5 आ रही। इसका मीनिंग जब ये टोटल डिस्टेंस 5 है और ये 9 और 4 है, इसका मीनिंग ये देखो 9 में से 4, अरे सी वन सी टू 5 है और आर वन माइनस आर टू का जो मोड है ये भी आपका 5 आ रहा है। इसका मीनिंग इंटरनली एक सर्किल सेकेंड सर्किल इंटरनली उसको टच करता है। तो जब इसके एग्जैक्ट डायग्राम की बात करूं तो बेटा ये डायग्राम आपका बनेगा तो ऐसे ही, बट वो इसको ऐसे टच करेगा अंदर बिल्कुल, और टच करेगा तो फिर दोनों को अगर इसी पॉइंट पे लेट करोगे तो मिनी वैल्यू उसकी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, एक अल्फा गिवन है आपको और देखो ढंग से अल्फा क्या है, ओमेगा है, ये अल्फा क्या बोलो ओमेगा, ए का मीनिंग दिस पार्ट है, बी का मीनिंग दिस पार्ट गिवन है, देन ए एंड बी आर रूट्स ऑफ, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ए और बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट है। तो देन इक्वेशन क्या लिखोगे, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल, इसका मीनिंग है आपको ओनली a और b की वैल्यू को करना है कैलकुलेट। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे इसमें ये अल्फा की पावर 3 आ रहा है, अल्फा आपका ओमेगा है, तो ओमेगा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 3 तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, 1 होगी बिल्कुल। तो अगर इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 है तो क्या आ गया, सिग्मा आ गया 1, और ये 1 कितनी बार ऐड होगा 101, तो ये आ गया 101 आ जाएगा, तो b तो सीधा 0 10 बना गया। After that, अब आपको a की वैल्यू चित्र को a की वैल्यू में क्या करना है, ये आ गया a equal to 1 plus alpha को omega put कर दो ये लो, और ये आ गया sigma k equal to 0 से 100 omega square 2k। अब देखो उसमें थोड़ा logically समझ सकते हो, ये आप सबने पढ़ा होगा कि 1 plus ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r की वैल्यू ऑलवेज 0, मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव 3 का सम ऑलवेज 0 होगा। तो देखो अगर आप इसमें k को 0 लेते हो, मैं आपको समझा देता हूं, k को 0 पुट करने पे क्या आएगा, 1 लेने पे ओमेगा स्क्वायर आ गया और 2 लेने पे आएगा ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा, तो देखो इसका सम 0 आ गया ना। उसके बाद जब k को 3 पुट करोगे मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 के केस में ये आपका 1 देगा, बिल्कुल मल्टीपल ऑफ 3 के केस में आपका क्या देगा, ये 1 देने वाला है। या पर एक काम करो सिंपल, उससे भी बेटर ऑप्शन है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, सिंपल अपन ये कर सकते हैं कि जब आप k की लिमिट ओपन करोगे तो ये 100 एनम टर्म की बनने वाली जीपी, तो सीधा जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे क्या आएगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, हां बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अब उसको सिंपल ये करोगे तो क्या आ गया, 1 प्लस ओमेगा, ये आपकी 101 टर्म की जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म तो 1 है, तो 1 माइनस आर का मतलब अल्फा स्क्वायर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स 101 अब देखो अपन इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, तो बस बी तो आपका 101 है, इसको ध्यान रखना चल देते हैं, इजी क्वेश्चन है कर सकते हैं। हां तो देखो अब इसके बाद क्या करना, सिंपल इससे हो जाएगा जी, देखो अब अपन अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं 202, तो जाएगा ओमेगा की पावर 202, तो ये आ गया a इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा की पावर 202 अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 202 ओमेगा हो जाएगा। अपन को पता है इसको 3 से डिवाइड करना है क्योंकि 3 के मल्टीपल पे ओमेगा क्यूब 1 होगा, तो 3 के मल्टीपल पे क्या आएगा, 6 3 18 21 मतलब ये आ गया into 3 का सर into 1/3 बिल्कुल, मतलब ये 3 का मल्टीपल है तो आपका बन देगा, तो केवल एक ओमेगा सेपरेट जाएगा इसमें, मतलब ओमेगा की पावर 201 को लिख सकते हो आप, ओमेगा की पावर
201 into omega. तो देखो ये पावर 3 का मल्टीपल है ना, तो ये तो आगे बन गया, तो सिंपल ओमेगा आ गया। तो क्या आ गया देखो, 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर, हां a प्लस b इनटू a माइनस, ये आ गया सिंपल आ गया। तो a 1 आ गया, तो क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 102x प्लस 101 इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या सर आने वाला है, कहां चला गया क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस e लो, इसका फोर्थ ऑप्शन सर करेक्ट बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, अ रूट ऑफ यूनिटी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टू द इक्वेशन दिस, इसका सॉल्यूशन है ठीक है, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, नंबर ऑफ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी दैट आर आल्सो द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। मतलब क्या है कि इसका एक कॉम्प्लेक्स रूट, उसको क्या मान लिया हमने, अल्फा मान ले, अब वो कह रहा है कि वो इसका भी रूट हो, कॉम्प्लेक्स रूट जो है इसका भी हो, उसके लिए नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी पॉसिबल है। तो एक काम करें अपन छोटा सा, पहले इसका ए, अब देखो ध्यान से देखो, पहले जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी इक्वल टू जीरो, अब आपको पता है कि इसका एक रूट क्या है अल्फा, अब दूसरा रूट क्या होगा, तो देखो ध्यान से सुनो, आपको जेड क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, यस जेड क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, और वन ए और बी क्या है रियल है, तो अब आपके पता है कि इसके कोफिशिएंट यदि रियल है और ये जेड क्या है कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब इसका दोनों रूट क्या होंगे, दे विल फाउंड इन पेयर, कॉन्जुगेट पेयर, तो एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा अल्फा बार हो जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, सम ऑफ रूट क्या हो गया बताओ, अल्फा प्लस अल्फा बार तो कितना हो गया माइनस ए, और अल्फा इंटू अल्फा बार क्या हो जाएगा आपका बी, तो अल्फा इंटू अल्फा बार एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यस सर, तो और ये कितना होगा यूनिटी के, ये यूनिटी का रूट है तो क्या होगा वन, तो बी की वैल्यू तो आ गई अपनी वन। अब आगे सुनो, बी की वैल्यू आ गई वन, और यहाँ से आपको पता है कि माइनस ए इक्वल है अल्फा प्लस अल्फा बार के, तो इसका मैग्नीट्यूड यदि मैं ले लूँ तो आपको पता है कि मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू, तो इसका मतलब ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा हमेशा मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं अपन, मॉड ऑफ अल्फा बार, अल्फा बार, अब आपको पता है कि मॉड ऑफ अल्फा कितना है 1, मॉड ऑफ अल्फा बार कितना है 1, तो यानी कि ये क्या हो गया लेस देन, ये आ गया मॉड ए लेस देन 2, तो मॉड ए लेस देन 2 आ गया, और जैसा कि आपको पता है अपने पास 1, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी -2 से +2 क्लोज इंटरवल, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया ए आपका इंटीजर है, इंटीजर है, ए की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी -2 -1 0 एंड 2। अब आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स पूछे गए नॉन रियल, तो इसमें आपको वन बाय वन क्या करना है सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। तो चलो अपन करते हैं चेक, तो चलो इक्वेशन क्या है, जेड स्क्वायर प्लस ए एक्स ए प्लस बी, तो वन फिक्स है ना, तो देखो फर्स्ट केस लेते हैं, इफ जेड अगर आप बेटा वन ले तो ये जेड को सबसे पहले टू लेते हैं, सबसे ग्रेटर टू लेने पर जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2z, 2z, तो सिंपल सी बात ये तो होल स्क्वायर बन गया ना, z प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इससे तो आ गया z इक्वल टू माइनस 1, तो ये तो रियल रूट हटाओ, ये रियल रूट आ गया, ऐसे यदि z को आप बेटा माइनस 2 लोगे तो माइनस 2 पे क्या आएगा, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 0, तो z माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो z बना के ये भी रूल है, इसको भी हटाओ, फिर अगेन जब आप बात करोगे इफ z इक्वल टू 0 की, तो z को 0 लेने पे आ गया z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे क्या होगा z इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस वन, तो z इक्वल टू आ गया प्लस माइनस आयोटा, तो ये इसके कॉम्प्लेक्स रूट है तो इनको लेना है, फिर z को 1 या माइनस 1 लोगे तो उस केस में क्या होगा z स्क्वायर प्लस, इसी लेट आपने z को 1 लिया सर, बिल्कुल, तो 1 लेने पे क्या आ गया ना, और अब आपको पता है इसका d नेगेटिव आ रहा है तो इसकी भी दो रूट इमेजिनरी होंगे, और माइनस लोगे तो भी इसका d नेगेटिव, इसके भी रूट होंगे इमेजिनरी, तो 2 4 टोटल 8 रूट्स हैं बट उसमें से दो रूट रियल हैं, 6 इमेजिनरी, तो दे आर 6 में पूछेगा नंबर ऑफ इमेजिनरी, तो 6 आंसर इसका करेक्ट होगा, तो 6 रूम से मिल जाएंगे ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में क्या बोला गया कि z1 z2 z3 भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द इक्वेशन z की पावर 4 इक्वल टू आयोटा z, इसको लिख लेते हैं अपन एक बार, z की पावर 4 इक्वल टू आयोटा z, इसके थ्री सॉल्यूशन है z1 z2 z3 वो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे नॉन जीरो, मतलब जेड को जीरो नहीं मानना आपको, तो विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो क्या बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग द लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट इन दिस पार्ट, वो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है जिसका आर्गुमेंट लीस्ट हो, जो z1 z2 z3 का सम आपका 3, इसका मतलब जो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके आर्गुमेंट का सम पाइवेट होना चाहिए, ये देखना है सेंटर्ड ऑफ दी ट्रायंगल फॉर्मड बाय दिस पार्ट इज दिस पार्ट, ट्रायंगल बनेगा उसका, और आपको एरिया ऑफ दी ट्रायंगल इज दिस पार्ट, तो चलो देखते हैं, मतलब से मेनली आपको z1 z2 z3 कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट करना पड़ेगा सर ठीक है,
और देखो क्या करना है इसमें, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो देखो ये नहीं करना है कि इसमें जेड को एक्स में साइड टाइप पुट कर दो, इसको करेंगे अपन पोलर फॉर्म से। तो एक काम करो, इसका दोनों तरफ ले लो मोड आप, क्योंकि मोड लेने से आप जस्टिफाई कर पाओगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका मॉडुलस क्या आने वाला है। तो उसका मोड लेने पे क्या जाएगा, ये तो आ गया जेड की पावर 4 का मोड, आयोटा का मोड 1 और मोड जेड। तो देन जब मोड जेड कॉमन लोगे तो आ गया मोड जेड और ब्रैकेट में आ गया मोड जेड का क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। देन कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड क्या होगा, या तो मोड जेड 0 होगा और मोड जेड क्यूब इक्वल टू 1, देन मोड जेड इक्वल टू 1। तो एक बात बताएं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, सॉरी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जेड जीरो कब आ सकता है, जब जेड आपका जीरो होगा, बट क्वेश्चन में मना किया गया कि जेड जीरो नहीं है। इसका लॉन्ग ये पता चल गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे आपके उनका मॉडुलस आपका वन है, तो मॉड जेड उनका भी नहीं, आर आपका वन है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करो आर ई की पावर आयोटा थीटा, इसको करेंगे पोलर फॉर्म से। आर आपका वन है तो जेड इक्वल टू आ गया सर ई की पावर आयोटा थीटा, और थीटा क्या होगा उसका आर्गुमेंट। तो क्या करो, जो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें जेड को पुट करो ई की पावर आयोटा थीटा। तो जब आप उसमें जेड को ई की पावर आयोटा थीटा पुट करोगे तो ये आ गया सर ई की पावर आयोटा 4 थीटा इक्वल टू आयोटा ई की पावर थीटा, और एक आयोटा थीटा कैंसिल हो गया, आ गया ई की पावर आयोटा 3 थीटा इक्वल टू आयोटा। तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो क्या आ गया cos थीटा 3 थीटा प्लस आयोटा sin 3 थीटा इक्वल टू आयोटा। तो उसको रियल को रियल से कंपेयर और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर, तो क्या आ गया इसका रियल पार्ट तो इधर cos 3 है, इधर 0 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट की बात करोगे सर तो sin 3 थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब आपको पता होगा ये दोनों थीटा सेम है, ध्यान रखना। तो बेटा sin की वैल्यू तो 1 आनी चाहिए और cos की वैल्यू 0, ये केवल इसी जगह पॉसिबल है। इस जगह साइन आपका 1 होगा cos 0, तो देन आपको पता चल गया कि 3 थीटा इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाय 2। ये कौन सा मल्टीपल है, 4n प्लस 1 टाइप का है, तो इससे थीटा आ गया सर 4n प्लस 1 पाई बाय 6। अब आपको ये पता लग गया होगा इससे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अपन को ये पता है कि इसके टोटल 3 सॉल्यूशन होंगे भाई, ये z की पावर 4 में तो 4 सॉल्यूशन है, बट एक तो 0 इसको हटा दिया हमने, इसके टोटल 3 सॉल्यूशन होंगे। तो थीटा की 3 वैल्यू होंगी, और थीटा क्या है, उन कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है, और आर्गुमेंट की वैल्यू ऑलवेज माइनस पाई से पाई के बिटवीन होती, जान रखना। तो देखो इसमें क्या करना है, जब आप n को 0 लोगे तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट तो आ गया पाई बाय 6, n को 1 लोगे तो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट आ गया सर 5 पाई बाय 6। अगर आपने n को 2 पुट किया बेटा तो फिर ये हो जाएगा 9 पाई बाय 6, और 9 पाई बाय 6 की वैल्यू पाई से ग्रेटर होगी उसको कंसीडर नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, n को पुट कर दो -1, तो n को जो -1 लोगे तो अगले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट आ जाएगा माइनस के पाई बाय 6। तो टोटल 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 z3 जिनके आर्गुमेंट आपके पास क्या होंगे पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 और माइनस के पाई बाय 6। तो सेकंड ऑप्शन में तो पूछा गया सबका सम क्या होगा, तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा पाई बाय 2, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन में पूछा गया कि लीस्ट आर्गुमेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका लीस्ट आर्गुमेंट हो क्या होगा पाई बाय 6, तो थीटा अगर पाई बाय 6 है तो एक काम करें, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन है, ई की पावर आयोटा थीटा, आर तो इसमें 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करो तो क्या जाएगा ई की पावर आयोटा पाई बाय 6। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है हूज लीस्ट आर्गुमेंट इज मिनिमम, तो जब आप इसको लिखोगे cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा में तो cos पाई बाय 6 होगा √3/2 और आयोटा साइन 1/2, तो इसका पॉइंट आ गया √3/2, 1/2। तो देन इसका देखो सर फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो इसके करेक्ट होंगे। अब आपको थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे बात करनी, तो एक काम करें उसके लिए भी अपन करते हैं। थर्ड और फोर्थ में क्या करना है, ट्राइंगल का सेंटर और ट्राइंगल का एरिया आपको जस्टिफाई करना है। तो देखो इसको रिमूव कर देते हैं, तो देखो एक काम करो ना फटाफट, जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, जेड इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा। तो एक काम करिए जिली, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट जेड वन, वो क्या होगा, थीटा को पाई बाय 6 लोगे तो क्या गया √3/2 प्लस आयोटा बाई 2, 5 पाई बाय 6 लोगे तो 5 पाई बाय 6 किस में क्या होगा cos 5 पाई बाय 6 माइनस के √3/2 और sin आपका अगेन 1/2।
और थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जेड थ्री इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, प्लस का होगा कॉस माइनस बट साइन फाइव बाई बाई सिक्स लोगों को दिखा जाएगा रूट थ्री बाई टू माइनस और माइनस के आयोटा बाई टू, ये आपके थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सेंटर्ड का फॉर्मूला क्या है, तीनों का समेशन बाई टू। सेंटर्ड क्या होगा, लेट जेड इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री बाई थ्री। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो सभी रूट थ्री बाई टू ऐड करने पे देखो, पहले अपन रियल पार्ट को ऐड करके देख लेते हैं, कैंसिल आउट हो गया। तो रियल पार्ट को जब ऐड करोगे आप तो रियल पार्ट को ऐड करने पे क्या आने वाला है, एक पार्ट कैंसिल आउट तो ये आ गया रूट थ्री बाई टू प्लस आयोटा बाई टू। तो रूट थ्री बाई टू प्लस आयोटा बाई टू अपॉन थ्री, तो देन इसका सेंटर्ड आ गया सर रूट थ्री अपॉन सिक्स प्लस आयोटा बाई सिक्स। तो ये आ गया रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई सिक्स कॉमा आयोटा बाई सिक्स। तो अभी तो ऑप्शन है नहीं, तो ये भी गलत हो गया आपका, ये नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, और जब आपको पता है तीनों पॉइंट पता है तो अपन एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो चलो एरिया के फॉर्मूले के लिए, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1 बाई 2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3, तो डेल्टा जाएगा सर 1 बाई 2 डिटरमिनेंट रूट 3 बाई 2 1 बाई 2 एंड 1, नेक्स्ट होगा सर माइनस के रूट 3 बाई 2 1 बाई 2 एंड 1, और नेक्स्ट इज रूट 3 बाई 2 3 बाई 2 माइनस हाफ एंड 1। तो देखो C1 कॉलम में तो रूट 3 बाई 2 कॉमन आ गया, और C2 कॉलम में जब 1 बाई 2 कॉमन लोगे तो 1 बाई 2 कॉमन लोगे तो 1 बाई 4 ये आ गया रूट 3 बाई 8 आ गया, और ब्रैकेट में आ गया सर 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 एंड 1 1 1। क्या करें, सिंपल इसको ओपन कर देते हैं, सही है। तो देन क्या जाएगा रूट 3 बाई 8 सॉरी प्लस 1 के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, देखो 1 प्लस 1 2 आ गया, फिर माइनस 1 लिखोगे इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया, प्लस 1 के अकॉर्डिंग जब बात करोगे तो 1 माइनस 1 0 आ गया, तो ये प्लस 2 और प्लस 2 प्लस 4, तो सॉल्व करने पे जाएगा रूट 3 बाई 2। तो इसका एरिया क्या होगा रूट 3 बाई 2, तो इसका फोर्थ ऑप्शन भी अभी तो रॉन्ग होगा, तो इसका ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है ये, इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n माइनस 1 आर द इमेजिनरी nth रूट ऑफ यूनिटी, ओके nth रूट ऑफ यूनिटी देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो पहली बात तो क्या हो गया अपने पास, जब मैंने क्या मान लिया z की पावर n इक्वल टू 1, यानी कि nth रूट ऑफ यूनिटी क्या हो गया अपना z की पावर n इक्वल टू 1 मान लिया, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, z की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0, और आपको पता है कि इसके रूट सीधी क्या है nth रूट है, तो इसका क्या हो गया यदि इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे अपन, z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z3 और कहां तक चला जाएगा z माइनस zn तक। हां अब देखो z माइनस z1 इसमें एक रूट तो क्या होगा इसका 1 1 होगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं सीधे z माइनस 1 1। क्या करो सीधा जेड को आयोटा पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा माइनस 1 इनटू आयोटा माइनस अल्फा 1 अप टू आयोटा माइनस अल्फा एन, और ये क्या है अपना आयोटा की पावर n माइनस 1। अब ये करने के बाद देखो ये अपन इसको लिखो वैल्यू पूछ रही है वो क्या है, अपन से बोला गया पाई i इक्वल टू 1 से n माइनस 1 आयोटा माइनस अल्फा i की वैल्यू चाहिए। देखो जब i को 1 लोगे तो क्या आ गया आयोटा माइनस अल्फा 1 आयोटा माइनस अल्फा 2, इसके प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए, इसको तो एक तरफ और इसको कर दो से डिवाइड, तो क्या आ गया इक्वल टू आयोटा की पावर n माइनस 1 अपॉन इसका मीनिंग जब एन को 5 लोगे फिर भी बनाने वाला है बिल्कुल, उसके बाद जब एन की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो n को 2 लेने पर जाएगा सर एक आयोटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आयोटा माइनस 1,
और जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या करो, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो माइनस आयोटा माइनस वन, माइनस आयोटा माइनस वन से, सॉरी आयोटा प्लस वन से सीधा कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड, ये लो, तो ये तो आ गया आई माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस टू, और न्यूमिनेटर में क्या आ गया, ये तो आ गया सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जीरो, तो सिंपल क्या बन जाएगा जीरो अपॉन माइनस टू जीरो, मतलब एन अगर आपका टू का मल्टीपल है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वन होगी, सॉरी आयोटा ये कुछ मेरे ख्याल से वो हो गया था, आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस टू होगा, सॉरी माइनस वन तो ये माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस टू से माइनस टू कैंसिल, तो आ गया आयोटा प्लस वन, वन तो एन जब आपका टू का मल्टीपल है टू सिक्स टेन, तो उस केस में क्या होगा वन प्लस वन के लिए वन आ गया, एन की वैल्यू टू लेने पे वन प्लस आयोटा आ गया, वन प्लस आयोटा आ गया बिल्कुल, और देखो एन जब आपका फोर का मल्टीपल होगा तो 4 के मल्टीपल पे आयोटा की पावर 4 1 माइनस में 0 हो जाएगा, 4 के मल्टीपल पे 0 आ गया, और एक बार देखो 3 के मल्टीपल पे क्या करना है, जब आप n को 3 का मल्टीपल पुट करोगे लेट n इक्वल टू 3, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी माइनस आयोटा, ये लो, ये करने के बाद वही कार्यक्रम, इसको आयोटा प्लस 1 से कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अपॉन में तो आ गया माइनस 2, ऊपर से जब दोनों में से माइनस वाला लोगे तो माइनस आ गया और ये आ गया आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस चला गया, आयोटा प्लस 1 के होल स्क्वायर का मीनिंग 2 आयोटा आएगा और 2 आयोटा अपॉन 2 इज आयोटा, तो इसका आंसर आयोटा गया, मतलब ये 4 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, 1 1 प्लस आयोटा आयोटा और 0, तो चलो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं 0 1 आयोटा एंड चारों फोर ऑप्शंस आ करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा आपका कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2, तो देन दिस पार्ट गिवन है तो बताओ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इज ऑब्लिका, कि एन की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज को सेटिस्फाई कर सकती है, तो देखो उस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली आप इसमें बेटा ईच बेस को सेम लाने की ट्राई करो जिसको अपन इजीली कॉमन ले सकते हैं, तो देखो क्या करें, इसका फर्स्ट बेस है 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, मतलब आपको 3 आ रहा है इसमें, 3 लाने के लिए काम करो, इस 3 लाना है इसमें, ये 3 ओमेगा माइनस का, तो इसको ओमेगा स्क्वायर से कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या लिखते हैं 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर एजिटी, और इसमें क्या करना है बेटा, इसको जब आप ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो न्यूमेटर में मल्टीप्लाई करने पे तो आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर, इसको किया तो 3 ओमेगा स्क्वायर इज 3 माइनस 3 ओमेगा की पावर 4 इज ओमेगा, और ऊपर आ गया पावर 4n प्लस 3 है, और डिवाइड भी करना है तो ये आ गया सर ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3, ये करने के बाद सेम थिंग आपको थर्ड टर्म में भी अप्लाई करनी, तो थर्ड टर्म में करोगे तो देखो क्या करना है, इस बार आपको अगेन 3 लाना है इसको, तो इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया माइनस के 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस के 3 की पावर आ गया 4n प्लस 3 और अपॉन में आ गया ओमेगा की पावर 4n प्लस 3 इक्वल टू 0, तो देखो न्यूमेरेटर वाला पार्ट तो आ गया सब में कॉमन, बिल्कुल, तो न्यूमेरेटर वाले पार्ट को कॉमन लोगे और सिंपल सी बात है ये वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकती, ये हमेशा एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो ये तो चलाएगा सीधे जीरो में, तो क्वेश्चन आ गया 1 प्लस और अब आप ये देखो ये आ गया 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4n प्लस 3, ये करने के बाद आप एक काम कर सकते हो, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे तो आ गया ओमेगा क्यूब 1 और डिवाइड करोगे तो वो पावर आपकी जाएगी न्यूमेरेटर में, मतलब ये क्वेश्चन आपका फाइनली आ गया सर 1 प्लस अपॉन में ओमेगा, ये ओमेगा ही हो गया और न्यूमेरेटर में मल्टीप्लाई, तो ये तो ओमेगा क्यूब बन गया, ये आ गया ओमेगा की पावर 4n प्लस 3 प्लस सेम इसमें करना है, इसमें अंदर आप ओमेगा स्क्वायर से करो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो ओमेगा क्यूब बन आ गया और डिवाइड वाली पावर ऊपर आके क्या बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3 4n प्लस 3, अब आप शायद केयरफुली देख पा रहे होंगे, देखो अपने एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 होगा, तो देखो अगर 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r सॉरी ओमेगा स्क्वायर की पावर r आपका 0 है,
r is the multiple of 3, r अगर 3 का मल्टीपल है तो देन इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 की, मतलब ये जो 4n plus 3 है ये आपका क्या आना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जब भी जब 4n plus 3 आपका क्या होगा, 4n plus 3 इज मल्टीपल ऑफ 3 के, तो उस केस में ये 100% क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो देखो अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं इसको। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया n को 1 लेना है, तो n को अगर आप 1 लोगे ना तो n को तो 1 ले नहीं सकते अपन। उसके बाद n = 2, एक काम करो अपन n को 1 उसी में पुट कर लेते ना, n को 1 पुट, क्योंकि इसमें अपन इसको इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि ये ओमेगा की पावर 4 होगा, ये ओमेगा स्क्वायर होगा, तो फिर भी वैलिड होगा। तो इसमें वेट ऑप्शन यही है कि आप n की वैल्यूज को पुट करके देखो। n की जो पोस्ट बड़ी सिंपल सी बात है, उसकी थ्योरी से ही है कि ये आपका 3 का मल्टीपल, बट अगर ये इसको ओमेगा स्क्वायर मान लिया जाए तो फिर ये इंटरचेंज हो सकते हैं। तो वेट ऑप्शन ये है कि आप n को पुट करो। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया कि n अगर आपका 1 है तो देखो n को 1 लेने पे क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 और ओमेगा की पावर 14। तो देखो ना इसको तो मैं लिख सकता हूं ओमेगा, इसको लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर, यस सर। तो n इक्वल टू 1 इसका करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद कौन-कौन सी वैल्यू देखनी है फटाफट देखो, 2 4 5। तो देखो n को 2 लेके देखो, तो जब आप n को 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो इफ n इक्वल टू 2, ये ध्यान रखना इसमें गलती हो सकती है, बिल्कुल n को 2 पुट करोगे आप तो इसके अकॉर्डिंग देखो 1 प्लस ऊपर क्या आ गया 11 और 2 लेने पे 22। देखो ओमेगा की पावर 11, ओमेगा की पावर 9 ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर और ये 21 है, एक तो ये ओमेगा, तो हां अगेन आ गया 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा, ये भी पॉसिबल होगा। फिर अगर n को 4 पुट करोगे आप तो 4 पे क्या आएगा, देखो 1 प्लस 19 और 38। तो देखो ना ओमेगा की पावर 18 फिर से 1 होगा तो ये ओमेगा आ गया 0 आ रहा है, और 18 36 तो ये ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी करेक्ट होगा। सिमिलरली जब n को 5 पुट करोगे तो वो भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, इसके ऑल फोर ऑप्शंस आर करेक्ट। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हां सर देखें, देखो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है आपसे, इफ z z इक्वल्स टू क्या है अपना x + iota y बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट x एंड y आर इंटीजर्स, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इसका मतलब अपने को इसके रूट्स निकालने हैं, उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, और ये एरिया जो आएगा वो है लैम्डा, तो लैम्डा को डिवाइड करना है 8 से। तो काम करो, एक सबसे पहले सॉल्व कर लो इक्वेशन को, तो क्या आ रहा है मेरे पास, जेड बार इंटू जेड, तो एक काम करो इसमें से जेड इंटू जेड बार कॉमन ले लो, हाँ तो जेड जेड बार कॉमन लोगे तो ये क्या आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर, ये बचेगा इक्वल टू में चल रहा है ना 350। अब एक काम करें अपन, जेड इंटू जेड बार क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, और z स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, तो z स्क्वायर, चलो अभी एक मिनट को, तो z बार का स्क्वायर, अब तुम ध्यान से देखो ना, तो अपने को गिवन था, क्या गिवन था, z, तो z गिवन है, तो मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा का अंडर रूट, आगे बस हमने, अब यहाँ से इसका स्क्वायर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये सीधी सीधे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू z स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है ना सर, हाँ x का माइनस y स्क्वायर, z बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर से वही x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू क्या चल रहा है अपना, तो इसमें 2xy वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो फाइनली आ गया सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, ये आ जाएगा 175। अब 175 को ऐसे डायरेक्शन ब्रेक करना है, अब इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन में बोला है x एंड y बोथ आर इंटीजर, तो जब x एंड y बोथ आर आपके इंटीजर है, तो आपको समझो इसके फैक्टर लिखो 25 × 7, देखो उसका बेनिफिट क्या होगा, ये भी आपका इंटीजर है और ये भी आपका इंटीजर है, तो देखो बेटा जब आप इसको ऐसे लिखोगे कि लेट x स्क्वायर पर y स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, और इधर भी लिखोगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, तो देखो इसके जब फैक्टर करोगे आप, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 25 × 7 ऐड करो, कुछ बोलेंगे 35 × 5 लो, तो देखो इसके अकॉर्डिंग होगा क्या, आप ये कॉम्बिनेशन लोगे 35 × 5, तो ये भी सही है क्योंकि तो, नहीं लेकिन बट ये दो स्क्वायर में जो सम है सर, हाँ वो दो परफेक्ट स्क्वायर का जो सम है वो 35 बन नहीं रहा अपना, वैसे देखो सिंपल सी बात ये कि अपन को इसको ऐड करना है, तो ऐड करने पे क्या आने वाला है 2x², तो सिंपल सी बात ये है x इंटीजर है तो राइट साइड में भी आपका मल्टीपल ऑफ 2 आना चाहिए पहली बात, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे, देखो
इसको 35 × 5 लेके वो करके देख लो, दो पे आएगा मल्टीप्लाई तो आएगा, लेकिन वही है मेरे पास कि अपने को इसको 25 और 7 लेते हो आप, तो फिर तो आ गया 32, तो x स्क्वायर आपका 16 आ गया, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 4 और x अगर प्लस माइनस 4 होगा तो y आ जाएगा प्लस माइनस 3। चार पेयर आ चुके हैं आपके, चार आ गए। और सेकंड केस की अगर आप बात करोगे तो सेकंड केस में अगर 35 और 5 लेके देखते हो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 20 किसी का स्क्वायर नहीं, हां 20 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, तो बस पेयर तो दोगे इसमें वैसे ही देख लेते, देख सकते हो आप पाइथागोरस थ्योरम से 25 है तो 25 किसी का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये बहुत ही मतलब कॉमन, इसको 35 ले नहीं सकते क्योंकि 35 कभी आ ही नहीं सकता इस दो स्क्वायर का सम, तो इससे पता चल गया कि चार वर्टेक्स होंगे x आ गया प्लस माइनस 3, देखो सर x आ गया प्लस माइनस 4 और y आ गया 3, 4, 4, 3 चलो उसके बाद बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15 की। देखो क्वेश्चन 15 में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ या मॉडुलस ऑफ दिस पार्ट, तो देखो थोड़ा देखना चाहिए आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी कोई क्वेश्चन हो तो आयटा ऑलवेज साइन के साथ आना चाहिए, सबसे पहला काम ये करो, तो आयटा को साइन के साथ लाने के लिए काम कर देना अपन, आयटा कॉमन ले लेते हैं इसको, माइनस आयटा कॉमन, माइनस आयटा कॉमन ले लेते हैं, तो जब आप माइनस आयटा कॉमन लोगे तो के इक्वल टू 1 से 6 माइनस आयटा आपने जब कॉमन लिया तो क्या होगा, कॉस 2π/k 2π/k/7 दोनों पे जो सेपरेट मोड लगाओगे तो मोड आयोटा, आयोटा का मोड तो वन होगा उसको हटा दो, क्या रहेगा सिग्मा k = 1 से 6 और ये दिखना चाहिए ये e की पावर आयोटा 2π/k/7 खत्म। इसका मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि 1 की पावर 1/7 की 7th रूट है बिल्कुल, और 1 की पावर 1/7 या 1 की पावर 1/n की जो ऑल रूट्स हैं टोटल 7 रूट का सम ऑलवेज 0 होगा, 0 होता है, बट इसमें k आपका 1 से 6 है 0 का है, k अगर 0 से 6 होगा तो टोटल 7 रूट होंगे तो उनका सम क्या होगा 0, तो काम करते हैं इसमें इसको 0 से स्टार्ट कर दो और 0 पुट करने पे क्या आएगा e की पावर 1 तो इसको कर देते हैं माइनस, तो ये बैलेंस हो गया, तो ये क्या है 0 से 6 का मीनिंग ये स्टार्टिंग की जो 7th रूट है उनका सम है 0 आएगा, तो 7th रूट का सम तो 0 आ गया, तो माइनस 1 का मोड लोगे तो इसका आंसर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है चलो इस तरीके से 0 होना, 0 होना आंसर आ जाएगा, बस यही सोच रहा था। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया, देखो चुप क्या करना है क्वेश्चन नंबर 16 में, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 2 है और w इक्वल टू है z+1/z-1, ठीक है ना, तो देखो z और w क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं छोटा सा, अच्छा आगे ये क्या कह रहा है, इफ m एंड कैपिटल m एंड स्मॉल m आर द रिस्पेक्टिव ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द w, अच्छा ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि अपने को z का w का क्या करना है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और w की, बस बिल्कुल, तो अब अपन अच्छा गिवन एक चीज और है अपने को मॉड ऑफ z क्या है 2, तो एक काम करूं मैं सबसे पहले तो इसको रख लेता हूं z को अपन मान लेते हैं क्या x plus iota y, ठीक है ना, तो mod z कितना आ जाएगा यहां से x square plus y square equal to 4 आ गया, और ये कितना देगा अपने को 4, तो root लोगे ना तो root लेने है ना, root लेने पे क्या आ जाएगा ठीक, तो ये अपना क्या देगा, ये अपना देगा w, w इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो आप ध्यान से, तो mod of w ले लो आप, क्या ले लो mod of w, तो mod of w क्या आ जाएगा mod of z plus 1 upon z minus 1, तो ये क्या हो गया अपना x plus 1 plus iota y upon में x minus 1 plus iota y, मैंने क्या किया z की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, अब इसका अपने को मॉड लेना है तो मॉड ले लो आराम से, इसका मॉड लेने पे जाएगा रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, और अपन को पता है कि अपॉन में अगर मॉडुलस हो तो दोनों पे मॉड सेपरेट लगा सकते हैं, बिल्कुल ये तो आ गया सर x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y स्क्वायर, तो देन इससे सर मोड w हो जाएगा रूट ऑफ, देखो
इससे आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू आप कर सकते हो 4 तो ये आ गया 5 प्लस 2x और अपॉन में आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 तो ये 5 माइनस 2x 2x अब आपको क्या करना है मॉड w की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है आप इस अंदर वाले पार्ट की करो मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट तो इस अंदर वाले पार्ट की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं अपन देखो इसको डालते हैं इसमें से इसको अंदर वाले पार्ट को वायलेट कर देते हैं इसकी मैक्सिमम के लिए इसको वायलेट करने पे आ गया 5 प्लस 2x अपॉन 5 माइनस 2x अब आप सबने रेंज की बात की होगी कि जब भी आपको y की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ y y तो एक काम करें या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या कंपोनेंट डिविडेंड मेथड लगा सकते हो जैसी भी आपकी इच्छा हो तो क्या करें चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5y माइनस 2x y इक्वल टू क्या आ गया सर 5 प्लस 2x तो x कॉमन लोगे तो ये आ गया 2 प्लस 2y इक्वल टू आ गया सर 5 माइनस 5y ठीक है भाई 2x को दो तो 5y माइनस उल्टा होगा इक्वल टू आ गया 5y माइनस 5 ये आपका आ गया तो इससे x आ गया सर 5y माइनस 5 अपॉन 2 ये x है अब ये नहीं कि इसको देख के आप सीधा बोलो कि इसकी रेंज में केवल माइनस टू को डिनोमेटर नॉन जीरो होना चाहिए नहीं क्योंकि जो क्वेश्चन गिवन है आपको उसमें x का मीनिंग क्या है कि x लाइज ऑन द सर्कल ऑफ दिस पार्ट उसका मीनिंग क्या होगा कि जो x की वैल्यू है वो केवल माइनस टू से टू के बीच में वेरी कर सकती है तो ये गिवन है आपको कि मोड x की वैल्यू लेस देन 2 होगी तो मोड x का मतलब x की वैल्यू पुट करने पे क्या जाएगा 5y माइनस 5 का मोड अपॉन अपॉन में मोड आएगा इसका तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 2y प्लस 2 का मोड उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते तो आ गया 4y प्लस 4 का मोड और जब दोनों तरफ मोड है ये दोनों तरफ क्वांटिटी पॉजिटिव तो इसकी स्क्वायरिंग कर सकते हैं तो आ गया 5y माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 तो सिंपल फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b इनटू a माइनस b तो a प्लस b करोगे तो क्या आ गया 9y माइनस 9y माइनस यस सर और फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट करोगे y माइनस 9 y माइनस 9 आ गया ठीक है सर तो देन इससे बात करोगे तो इसका आंसर क्या होगा रूट्स के बिटवीन 1 अपॉन 9 से 9 ये y है लेकिन अपना रूट y है तो मोड w है इसकी जो मिनिमम वैल्यू वो क्या होगी 1/9 पुट करने पे 1/3 आ गया और w का मोड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर 3 तो जो भी अपन को क्वेश्चन में गिवन है उसको पुट कर देना अपने को पूछ रहा है लेकिन ये 2010 m प्लस 2010 इनटू 1/3 प्लस कैपिटल m हां तो उसका पुट कर लो आंसर आ जाएगा इसका ठीक है यस सर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की देखो 17 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग z minus 3 minus 2 iota का मोड less than 2, then the minimum value of this part. ये IIT question बहुत पुराना है. देखो क्या करना है. सबसे पहले इसका meaning क्या है? ये एक circle का locus है जिसका center तो है 2 plus 3 और radius क्या है 2 और 2 से less का interior portion बोला गया. ठीक है? जी सर. तो इसके according अपन इसको geometrically देख सकते हैं. इसका center तो है 3.2 और radius इसकी 2 है. 2 है. और उसके इंटीरियर पोर्शन में जेड लाइज ऑन दी सर्कमफेरेंस और इनसाइड इनसाइड दी सर्कल फिर क्या बोला गया कि दिस पार्ट की मिनिमम वैल्यू बताओ इसका मीनिंग क्या है इसमें से 2 कॉमन लो आप तो 2 कॉमन लेने से आ गया जेड माइनस 3 माइनस 5 अपॉन 2 दोनों काम एक साथ है 2 से डिवाइड भी कर दिया माइनस 3 कॉमन तो इसका मीनिंग क्या है ये बात सबने पढ़ी होगी जेड माइनस जेड 1 का मोड इसका मीनिंग है जेड की जेड 1 से डिस्टेंस तो इसका मीनिंग क्या होगा 3 कोमा माइनस के 5 अपॉन 2 की 3 कोमा माइनस के 5 अपॉन 2 की z से डिस्टेंस और बेटा z लाइज ऑन दी सर्किल तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होगा पॉइंट p की सर्किल से डिस्टेंस और पॉइंट p की कौन सी डिस्टेंस बतानी है आपको मिनिमम तो जब भी आपको किसी पॉइंट की सर्किल से क्या बतानी है मिनिमम मैक्सिमम तो उसके सेंटर को ज्वाइन कर दो तो आपको ये बताना है p ऑफ a ये सेंटर c है तो पहले क्या करोगे PC डिस्टेंस करोगे फाइंड आउट तो PC डिस्टेंस क्या होगी रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेज सॉरी रूट ऑफ x2 - x1 + y2 - y0 तो 3 - 3 तो 0 आ गया तो
तो सिंपल आ गया 2 प्लस 5 बाई 2 9 बाई 2 हो जाएगा, 9 बाई 2 आ गया, तो पीसी आ गया सर 9 बाई 2। और इस पीसी में से जब आप रेडियस को करोगे सबट्रैक्ट तो देन पीए क्या जाएगा 9 बाई 2 माइनस 2 इज 5 बाई 2, मतलब पीए इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपकी 5 बाई 2 होगी, बट सॉरी 9 बाई 2 माइनस 2 करने पे 5 बाई 2, बट हमारे क्वेश्चन में 2 पीए, तो 2 पीए की डिस्टेंस क्या होगी 5, तो आपको 5 आंसर इसका फिल करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 18। दूसरा वाला रूट क्या हो जाएगा 1, यदि दूसरा रूट लेते हैं तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर है ना, सीधे ये पहले तो z को ओमेगा, पहले तो अपने वो z ही है सिर्फ है ना, तो क्या ये ओमेगा, तो एक काम करो आप पहले इसको i, हां पहले z को ओमेगा पुट कर दो, हां अपन क्या करते हैं पहले सीधे p स्क्वायर है ना, p स्क्वायर इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू इसको लिख लेते हैं एक बार माइनस ओमेगा, मैंने z के लिए दिया ओमेगा लिख दिया सीधे, ठीक है ना, ओमेगा की पावर r, r ओमेगा की पावर 2s, ओमेगा पावर 2s और ओमेगा की पावर, बस अब इसको एक बार दोबारा लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई, अब देखो माइनस ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर 2s, ओमेगा की पावर 2s और ओमेगा की पावर r, करो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया देखो आप रो बाई कॉलम, हां तो माइनस ओमेगा की पावर कितना हो गया 2r, 2r प्लस ओमेगा की पावर 4s, यस प्लस ओमेगा की पावर 4s, बेस इक्वल टू पावर ऐड हो जाता है r1 c1, अब r1 c2 करो तो ओमेगा की पावर ये आ जाएगी r + 2, हां माइनस ओमेगा की पावर r into ओमेगा पावर r plus 2s, हाँ plus ओमेगा की 2s, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 2s plus r, ये क्या हो गया r1 into c2, अब चलो उसके बाद जब ये करो तो ये दोनों भी सेम आने वाले हैं, सेम ही है ना, और इसकी वैल्यू गिवन है p स्क्वायर, मतलब माइनस i गिवन है, माइनस i, माइनस i का मतलब माइनस 1 0 माइनस 1, इसका मीनिंग क्या होगा, दिस पार्ट की वैल्यू माइनस 1 है और सेकंड की वैल्यू 0 है, तो लिख देते सर, हां बिल्कुल माइनस ओमेगा की पावर 2r प्लस ओमेगा की पावर 4s, ये क्या होना चाहिए माइनस 1, ये प्लस है, यस तो माइनस 1 एक बोला गया सर बोलना, माइनस 1 की पावर r ओमेगा की पावर, ओमेगा की पावर r प्लस 2s प्लस ओमेगा की पावर, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर r प्लस 2s, 2s प्लस अगला क्या, ओमेगा की पावर 2s प्लस r इक्वल टू 0, मतलब आपको r और s की ऐसी वैल्यू लेनी है जो दोनों को क्या करती है एक साथ सेटिस्फाई, देखो ये भी क्या है ओमेगा की पावर r प्लस 2s, तो कॉमन आ गए, हां तो ओमेगा की पावर r प्लस 2s लोगे तो ये आ गया माइनस 1 की पावर n प्लस 1, तो बेटा सिंपल सी बात ये है ओमेगा की पावर कुछ भी हुई तो कभी 0 हो नहीं सकता ना, तो फिर 0 इसको होना पड़ेगा, और ये 0 कब होगा जब n बिलोंग्स टू आपका ऑड नंबर, r बिलोंग्स टू क्या होगा ऑड, तो r की वैल्यू केवल 1 और 3 हो सकती है, इससे एक बात ये पता चल चुकी है, बिल्कुल अब r आपका फिक्स है 1 और 3, तो एक बार काम करें r को 1 पुट कर दें फटाफट से इसमें, क्योंकि सेकंड तो r को जब इसमें 1 पुट करोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर तो आ जाएगा ओमेगा की पावर 4s, वैसे तो ये और r को 1 लेने पे और ये तो पॉजिटिव हो गया, तो हां ये आ गया माइनस प्लस हो जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू या प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ओमेगा की पावर 4s एज इट इज, r को 1 लेने पे माइनस ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1, तो आपको सोचो ना s के लिए 1 s आपके पास गिवन है क्वेश्चन में 1 2 3 तो s को 1 लेने पे ओमेगा बन जाएगा, 2 लेने पे 8 होगा गलत ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो केवल s इक्वल टू 1 होगा, मतलब एक पेयर तो आ गए r 1 और s इज 1, और एक और देख लेते हैं r इक्वल टू 3 r को 3 लोगे तो क्या होगा, तो r को 3 लेने पे ये आ जाएगा 6 आ रहा है माइनस 1 हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 6 हो गया, 6 आ जाएगा और 6 आ गया तो वैसे ही 2 आ गया माइनस 2 आ जाएगा, तो ओमेगा की पावर कुछ भी हो माइनस 2 कभी ये नहीं आ सकता, तो इसका केवल एक ही पेयर होगा r और s 1 कॉमा 1 1 ठीक है चलो इसका आंसर आ गया 0, 1 फिल करना है नंबर ऑफ क्वेश्चन में क्या बोला गया कुल संख्या क्या होगी, तो 1 फिल करना आंसर, एक एक ही पेयर पॉसिबल है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, तो देखो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 है वही क्यू रूट ऑफ यूनिटी बोला गया है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ सेट ऑफ
ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर के मोड की स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, किसकी मिनी वैल्यू क्या हो सकती है, वही आपको पता होगा। आप इसमें कुछ मत करो, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू प्लस सी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू, तो ये आ गया माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू का मोड और का स्क्वायर भी लगाना है तो लगा देते अपना क्या जाए। तो मोड का मीनिंग क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट आएगा ना, लेकिन रूट से स्क्वायर हट जाएगा सिंपल, जब मोड लोगे तो रूट होगा, रूट से स्क्वायर हट सकते हैं। सीधा क्या गया, रियल पार्ट क्या होगा, ए माइनस बी बाई टू माइनस सी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस प्लस इमेजिनरी पार्ट इन बी रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बी बाई टू बी बाई टू माइनस रूट थ्री सी बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो उससे क्या आएगा, सीधा ए स्क्वायर आ गया, उसके बाद देखो प्लस क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई फोर और थ्री बी स्क्वायर बाई फोर दिस इज बी स्क्वायर प्लस ये भी आ गया सी स्क्वायर और माइनस के होगा ए बी, देखो इससे मिलेगा माइनस के बी सी बाई टू और माइनस के बी सी बाई टू, मतलब माइनस बी सी और माइनस ए सी ए सी, ये आ गया। इसके आने के बाद अब देखो इसको क्या करना है, इसको थोड़ा अपन होल स्क्वायर बनाते, तो आपको पता होगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड तो आ गया बाहर और मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये याद रखिए आप, 2 से मल्टीप्लाई करने पे काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में एक बात बोली गई है, एबीसी आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर, एबीसी को डिस्टिंक्ट इंटीजर लेना है नॉन जीरो और आपको इसकी वैल्यू लानी मिनिमम, तो क्या करें, मिनिमम लाने के लिए काम करो, ए को पुट कर दो वन, बी को टू और सी को थ्री, एक ये कर सकते हो, डिस्टेंट पुट करना है ए को वन बी को टू और सी को माइनस वन, कोई भी पेयर पुट करके देखना, लेकिन पुट करने डिफरेंट पुट करने कॉन्जुगेट लोगे आप, क्योंकि डिफरेंस अगर ज्यादा लोगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो जब आप ये तीनों पेयर पुट करोगे तो कोई भी पेयर पुट करो तो ये वैल्यू आने वाली है सिक्स अपॉन टू इज थ्री, तो इसका आंसर आपको थ्री फिल करना है। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू, उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बेटा, थैंक यू। हाँ।